नंबर 10 बोया कंस्ट्रिक्टर। अगर आपने कभी हैरी पॉटर का पहला पार्ट देखा होगा तो आपको याद होगा कि उसमें एक बहुत बड़ा स्नेक होता है। दरअसल ये बोया कंस्ट्रिक्टर ही है। इनकी लंबाई लगभग 14 फीट और वेट में लगभग 27 केजी तक जा सकता है। वैसे तो ये शांत स्वभाव का स्नेक है और ये ज़्यादातर धूप में रहना पसंद करता है। नंबर 9 येलो एनाकोंडा। ये लंबाई में 15.1 फीट तक हो सकते हैं और वेट में लगभग 55 केजी तक हो सकते हैं और ये सिर्फ साउथ अमेरिका में ही पाए जाते हैं और ये ज़्यादातर नदियों के किनारे रहना पसंद करते हैं। नंबर 8 ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा लंबाई में लगभग 17 फीट तक हो सकते हैं और वेट में लगभग 70 केजी तक हो सकते हैं। नंबर 7 बर्मीज पाइथन। बर्मीज पाइथन ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं और इनकी लंबाई 19 फीट तक होती है और वेट लगभग 75 केजी तक होता है और इस प्रकार के स्नेक के पास प्रीहेंसाइल टेल होती है जो इन्हें ऊंचाई पर चढ़ने और पेड़ से लटकने में मदद करती है क्योंकि ये ज़्यादातर पेड़ पर लटकना पसंद करते हैं। नंबर 6 इंडियन पाइथन। अगर आपने कभी जंगल बुक मूवी देखी होगी तो उसमें एक बोया नाम का स्नेक होती है तो वो इंडियन पाइथन ही है। इस प्रकार के स्नेक की लंबाई 21 फीट और वेट में लगभग 91 केजी तक होते हैं और ये पाइथन इंडिया के अलावा पाकिस्तान और चाइना में भी पाए जाते हैं और ये ज़्यादातर नदियों के किनारे रहना पसंद करते हैं। नंबर 5 अमेथिस्टाइन पाइथन। इसे स्क्रब पाइथन के नाम से भी जाना जाता है और ये ज़्यादातर पापुआ न्यूजीनिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई लगभग 24 फीट और वेट में लगभग 90 केजी तक जाते हैं और ये ज़्यादातर अपना शिकार छोटे जानवरों को बनाते हैं जैसे कि बैट रैट और इस प्रजाति के स्नेक के पास हीट सेंसर होता है जो इन्हें गर्म खून वाले जानवरों को देखने में मदद करता है। नंबर 4 अफ्रीकन रॉक पाइथन। ये पाइथन जीनियस प्रजाति की 11वीं प्रजाति है और इनकी लंबाई 27 फीट तक जा सक्ती है। ये पाइथन इतना डेंजर है कि ये क्रोकोडाइल तक को निगल सकता है। 1958 में एक जियोलॉजिस्ट ने पाया था कि 4 फीट के इस पाइथन को ये जाइंट पाइथन ने निगल लिया था। नंबर 3 रेडिकुलेटेड पाइथन। ये पाइथन दुनिया का सबसे लंबा जीवित पाइथन है, बाकी इससे बड़ी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। इस पाइथन की लंबाई 25.2 फीट और वेट लगभग 160 केजी तक होता है और इसे मेडुसा स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये शांत स्वभाव का पाइथन है बट इनका कोई भरोसा नहीं। तो अभी तक हमने जीवित स्नेक की लंबाई और वेट के बारे में जाना, लेकिन अब हम दुनिया के सबसे लंबे और वजन वाले स्नेक के बारे में जानेंगे जिनकी प्रजाति अब विलुप्त हो चुकी है। नंबर 2 चाइना टोफिस। ये आज से 400 मिलियन साल पहले पाए जाते थे और 2009 तक ये माना जा रहा था कि ये चाइनोटोपस ही दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक था और ये सहारा डिजर्ट में रहते थे जहां आज इजिप्ट बसा हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि आज से 40 मिलियन साल पहले सहारा डिजर्ट की जगह पे एक समुद्र था जिसका नाम पैराथीसियस था और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये चाइनोटोफिस एक पानी का सांप था। इसकी लंबाई 35.1 फीट तक होती थी और इसके फॉसिल को 1901 में चार्ल्स विलियम एंड्रयूज ने खोजा था। नंबर 1 दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक जो कभी एग्जिस्ट करता था वो टाइटानोबोआ है। इसका फॉसिल 2009 में कोलंबिया में मिला था और ये उस टाइम का सबसे बड़ा सेंसेशन न्यूज था। ऐसा माना जाता है कि टाइटानोबोआ आज से करीब 58 से 60 मिलियन साल पहले पाया जाता था और इनकी लंबाई 42 फीट होती थी और वेट में ये लगभग 1135 केजी तक होते थे। और साइंटिस्टों का मानना है कि ये स्नेक किसी भी जानवर को आसानी से मार सकता था। टाइटानोबोआ ज्यादातर मच्छी खाना पसंद करते थे और 2012 में स्मिथसोनियन चैनल ने इस स्नेक पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी। तो है ना ये अमेजिंग बात। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।